हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर दसवीं पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिलहाल अभी हमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर के, ठीक है, ये वीडियो बहुत खास है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं लोक सेवा आयोग की तरफ से मध्य प्रदेश में इंजीनियर्स के लिए प्रिंसिपल ग्रेड वन ग्रेड टू डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। यह वैकेंसी का जो फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट था वो 17 मई था, लेकिन अब इसमें इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया था, कब तक, 24 तारीख के लिए। आज हो चुकी 19 तारीख, आपके पास 4 से 5 दिनों का समय और बचा है। अब अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो 24 तारीख इसकी आखिरी तिथि है, ठीक है। इससे पहले आपको फॉर्म भरना है। बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में रहते हैं, सर लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट निकलने के बाद मैसेज करते हैं कि सर हम फॉर्म नहीं भर पाए, पता नहीं चल पाया लास्ट डेट कब है। आपको आखिरी समय पर वीडियो बना करके भी बता दे रहे हैं, बाद में आप गलती अब ना करिएगा। 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जा करके अभी भी MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लोगों को डाउट ये भी है कि सर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं तो मैं भर सकता हूँ, भर सकते हैं। प्रिंसिपल ग्रेड टू के लिए और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास केवल और केवल BTEC है, BE है, तो भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी अपडेट थी आपके लिए, पर बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। दूसरी अपडेट ये कि काफी सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर इसका एग्जाम डेट कब होगा। देखिए, एग्जाम डेट सितंबर के अंदर संभावना है कि एग्जाम हो सकती है। अभी देखिए, ये चीजें क्लियर कट किसी को पता नहीं होती कि एग्जाम कब तक हो सकता है, ठीक है, जब तक कि MPPSC खुद ने ये चीज बता ना दे। एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है सितंबर में हो जाए, नहीं होता तो फिर आगे जाकर एक्सटेंड भी हो सकता है जनवरी तक भी, ठीक है। बट जहां तक संभावना बन रही है, सितंबर की बन रही है आपके एग्जाम होने की, तो आप तो ये मानकर तैयारी करिए कि सितंबर में एग्जाम है। अगर नहीं हो रहा है तो अगर सिलेबस आप कर लेते हैं उससे पहले, फिर रिविजन मोड पर आ जाइएगा, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है और आपके पास जितना समय आपको मिल जाए उतना कम है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें अलग अलग ब्रांचेस की पढ़नी है जो कभी नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अभी तो आप यही मानिए कि सितंबर में है और अभी चल रहा है मई, जून, जुलाई और अगस्त, 3 महीने का टाइम आपके पास पूरा पूरा बचा हुआ है, ठीक है, लगभग 3.5 महीने का। इसके अंदर अपना अच्छे तरीके से डेडिकेट होकर के इस एग्जाम को दीजिए, इसकी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बाकी एग्जाम संभावना सितंबर में है, नहीं हुई, आगे अगर एक्सटेंड होती है तो हो सकता है चुनाव के बाद भी चली जाए, क्योंकि आप जानते हैं नवंबर के अंदर मध्य प्रदेश में चुनाव भी है, तो हो सकता है उसके बाद भी, जनवरी तक भी जा सकता है आपका एग्जाम। तो अगर जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना, थोड़ा और आपको टाइम मिल जाएगा। नहीं जा रहा तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए, सितंबर में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। दूसरा एक सर एक क्वेश्चन और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर इस प्रकार जो वैकेंसीज होती है, ठीक, क्योंकि इसके अंदर आपको जनरल चीज़ें सारे ब्रांच की कवर करनी है, तो इनका कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, ऐसी जो वैकेंसीज होती है ना, जैसे मैं अगर बात करते हैं इसके इक्विवेलेंट जो आप ए की वैकेंसी देखते हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर की, उसकी कट ऑफ की अगर मैं रिसेंट कट ऑफ की बात करता हूँ पिछले साल वाली, तो जो फाइनल कट ऑफ गई थी लगभग 324 नंबर के आसपास में फाइनल सिलेक्शन हुआ था, मतलब आफ्टर इंटरव्यू के बाद जो फाइनल सिलेक्शन 324 नंबर में हुआ था, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 324 नंबर। तो अगर 324 नंबर बात करते हैं तो इसमें कितनी जा सकती है, तो अगर यहाँ पर बात करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी ब्रांचेस पढ़नी है, आप अपनी ब्रांच में एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, चाहे आप जैसे अगर ए की बात करते हैं तो अपनी ब्रांच का सब कुछ पढ़ते हैं, 4 साल तक उसी भी इंजीनियरिंग करिए, यहाँ पर आपको सारी ब्रांच का टच दिया गया, वो भी ऊपर से 4 मॉड्यूल आपका वोकेशनल का भी, जो आज तक आपने नहीं पढ़ा है, देखा भी नहीं है, ठीक है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें नई है और ये केवल आपके लिए नहीं है, इसमें सबके लिए चीज़ें नई है ना। तो निश्चित तौर पर ऐसी जो वैकेंसीज होती है इनका कटऑफ बहुत कम जाता है, ऐसा देखा गया प्रीवियस ईयर के अंदर, ज़्यादातर स्टेट के अंदर ये एग्जाम हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी रिसेंटली हुआ है, तो उन एग्जाम्स के अंदर देखा जाता है कि इसकी जो कट ऑफ होती है वो थोड़ा सा कम ही जाती है। तो अगर मैं यहाँ पास बात करूँ कि अगर आप 240 से 250 नंबर अपन आउट ऑफ जो आपका रिटेन ऑब्जेक्टिव एग्जाम है वहाँ पर हासिल करते हैं ना, 240 250 से 250 के आसपास भी हासिल करते हैं, तो ये बहुत अच्छा स्कोर होगा, ठीक है, आपके लिए इस एग्जाम पे, ठीक है। बाकी आप इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू में आपका 50 नंबर का इंटरव्यू है, वहाँ पर जितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे वो आपकी अच्छी रैंक डिसाइड करेगा इस एग्जाम के अंदर, ठीक है, इस वैकेंसी के अंदर। तो अगर मैं कहूँ कि अगर आप एक आंकड़ा लेके चल रहे हैं तो मतलब ये कह सकते हैं आप, एक तो खैर आप अपने हिसाब से तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ भी रहे हैं, चाहे हमारे बैच के अंदर पढ़ो चाहे सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, तो आप तो कोशिश करेंगे कि 450 के पेपर तो आप जितना मैक्सिमम हो सके गेन करें। पर मैं अगर बताऊँ कि कट ऑफ कितना रह सकता है, अगर एक एवरेज की बात करें तो 250 के आसपास मतलब अच्छा स्कोर माना जाएगा इस वैकेंसी के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास आपको सारी चीज़ें कवर करनी है जो कि सबके लिए सेम चीज़ें हैं, सबको नई चीज़ें पढ़नी है, तो कट ऑफ थोड़ा सा इसका डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी इसके कट ऑफ के बारे में जो आप पूछते हो। बाकी आप लोग की तैयारी आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी कर रहे होंगे और बहुत अच्छी चल रही। कंपटीशन के लेवल की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कंपटीशन तो इस पर है ही, है ना, काफ़ी सारे लोग हमारे यहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं। 10 पॉइंट के अंदर चाणक्य बैच आप जानते हैं, हमने चाणक्य 2.0 भी लॉन्च किया हुआ है, जो लोग कर यहाँ से ज्वाइन होकर के तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, जो हमसे जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, आप जानते हैं बहुत शानदार कंटेंट यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कहाँ पर जाना पड़ेगा, thesivilpoint.app के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं इसके बारे में 2 पॉइंट बताना चाहता हूँ, इसके लिए आप देख सकते हैं चाणक्य 2.0 अभी रिसेंटली बैच स्टार्ट हुआ है, चाणक्य 2.0 5 मई को, ठीक है। इस बैच के अंदर क्या है,
ये आपको कोर्स फीचर यहाँ पे दिख रहे हैं, लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डेड क्लास, मतलब अगर आपने लाइव मिस कर दिया, पहले तो लाइव क्लास होती, अगर आपने मिस कर दिया तो रिकॉर्डेड मिल जाता है। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी होती तो उसको आपको अपने टिप पे लाने के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज करने होते हैं, ठीक है। अब आप अपनी डिपार्टमेंट के एमसीक्यूज पता कर सकते हैं, भाई ये डिपार्टमेंट का ये हमने पढ़ा हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, या कई बार वो एग्जाम दिया हुआ है तो आइडिया लग चुका है। लेकिन आप अदर ब्रांच के या जो ऐसी चीजें जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके एमसीक्यूज कौन से इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे उस सब्जेक्ट से या उस टॉपिक से, ये फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, हर एस्पिरेंट के लिए। तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि इस बैच के अंदर सारे के सारे एमसीक्यू लगभग 8,000 से अधिक ही होंगे, ठीक, लगभग 10,000 भी पहुंच जाएंगे, इतने एमसीक्यूज हम खुद करवा के दे देंगे। हम मतलब हमारे जो टीचर्स हैं जो अपनी क्लासेस आपको पढ़ाएंगे, पहले तो थ्योरी क्लासेस कवर करेंगे, साथ में आपको टॉपिक वाइज सारे के सारे क्वेश्चन भी करवाते जाएंगे और साथ में उनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सके इसी के अंदर, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। साथ में जब आपका सिलेबस हो जाएगा तो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी जैसा कि आपका एग्जाम पैटर्न है। डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं हर संडे को लाइव, बाकी आपके लाइव सेशन होते हैं उसके दौरान ही आप डाउट पूछ सकते हैं। पीडीएफ और नोट सारे सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे, ये इसका कंप्लीट कोर्स है। कुल मिलाकर मैं कहूं कि अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं और आप ये ढूंढ रहे हैं कि मुझे कहीं पर एक जगह एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर कंप्लीट कंटेंट मिल जाए, तो आप विजिट कर सकते हैं दस बिल पॉइंट। इसके अतिरिक्त आपको फिर कहीं से कुछ भी नहीं लेना, सब सारा का सारा कंटेंट एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके नंबर से इन पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपके दिए गए, ठीक है। बाकी आपको जाना कहाँ पर है, डाउनलोड करना है दस बिल पॉइंट ऐप को। थोड़ा सा कोर्स फीचर देख लीजिए, ये कंप्लीट है, इतने इतने घंटे में चीज़ें कवर होगी, जैसे जनरल अवेयरनेस वोकेशनल वाला पार्ट है, 90 आवर्स अजय सर ले रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट जीके सर ले रही है, ऑलरेडी ये ग्रेड वन प्रिंसिपल आईटीआई के अंदर वही कवर कर रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भारत सर 60 घंटे, फिर आप उनके बारे में और सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। संदीप प्रभाव सर आपकी सिविल इंजीनियरिंग कवर कर रहे हैं, उत्तम सर आपका फंडामेंटल वाला और वर्कशॉप वाला, ठीक है, प्रोडक्शन वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला आपका उत्तम सर और राहुल सर कवर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसके बाद अगर बात करता हूँ कोर्स फीचर की, तो इसमें आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, साथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड एमसीक्यूज हम करवाई रहे हैं, नोट्स भी प्रोवाइड हो रही है, प्रैक्टिस सेट, वैलिडिटी कितनी है 2 साल की, ठीक है। इनकेस क्या होता है, देखो एमपीपीएससी के अंदर कोई भरोसा तो है नहीं कि ये एग्जाम लेने के बाद भी इंटरव्यू करवाई लेते हैं। आप देख रहे हैं अभी 2021 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं एई वाले, अभी तक उनका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है, इसलिए इंटरव्यू लेट हो सकता है। चूंकि हमने यहाँ पे इंटरव्यू का गाइडेंस भी दिया हुआ है, इसलिए कोर्स की वैलिडिटी 2 साल करवा दी, ठीक है, कि 2 साल में तो इंटरव्यू आपका हो ही जाना है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी वैलिडिटी कितनी रखी है, 2 साल की है, ओके। और अगर आपको इसके बाद भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारे कॉलिंग नंबर्स हैं, डाउनलोड करना है द सिविल पॉइंट ऐप, वहाँ पे 4.0 बैच पे जा करके आप उनके डेमो देख सकते हैं और वहीं पर जा करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपका क्लास टाइमिंग, लाइव क्लास का शेड्यूल पूछते हैं, सर कितने बजे से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लास, शाम को 7 से 8, इसमें बेसिकली सिविल की क्लास थोड़ा टाइम चेंज हुआ है, ये टाइम हो गया 5:30 बजे हो गया, ठीक है, 5:30 से 6:30 होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 9:30 से 11 होती है और आपकी जनरल अवेयरनेस क्लास 1 घंटे रिकॉर्डेड होती है और वो किसमें 1 घंटे होता है। कुल मिलाकर के ये आपका कंप्लीट लाइव क्लास का स्केड्यूल है, जिस प्रकार से आपकी चाणक्य 2.0 के अंदर लाइव क्लासेस चल रही हैं। कुछ लोग को डाउट आएगा, सर आपका बैच 5 मई को स्टार्ट हुआ था, आज है 19 मई, 14 दिन की क्लासेस का क्या होगा, ये जो क्लासेस हो गई ना इनके रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिल जाएंगे और बाकी आगे भी जो क्लासेस होगी उनके वीडियोज मिलते जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप ज्वाइन करके यहाँ से रिकॉर्डेड वीडियोज देखना उनको शुरू कर दीजिए, साथ में आप लाइव भी देखते जाइए, तो पिछला भी कवर हो जाएगा और साथ में भी इसको भी कवर कर लेंगे। बट यहाँ से अगर देर करेंगे तो और देर होती जाएगी, क्योंकि पढ़ने वाले तो बहुत सारे लोगों ने मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं आप, है ना, और कंपटीशन आप अपना आप खुद बढ़ा रहे हैं जो अपनी तैयारी को डिले कर रहे हैं कि मैं फॉर्म भरने के बाद सोचूंगा कैसे तैयारी करूँ। भैया अगर कहीं से भी पढ़ रहा हो ना, खुद भी तैयारी कर रहे हो, जब मतलब जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जो भी स्टडी मटेरियल है आपके पास, कुल मिलाकर के अगर आप इस वैकेंसी के लिए सीरियस है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से वैकेंसी है, जिस प्रकार से इसमें लोगों का रुझान है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे पद में ऑलरेडी जो लोग कार्यरत हैं, जो बहुत अच्छे पद में, यहाँ तक इनफैक्ट जो IES हैं, ठीक है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जो गए हुए हैं, वो भी इस एग्जाम पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं। रीजन सिर्फ इतना सा है क्योंकि इसकी लोकेशन आपको अपने लोकल मध्य प्रदेश के अंदर मिल जाएगी, होम स्टेट मिलेगा, और दूसरी चीज़ ग्रेड पे भी अच्छा है, आपको ज्वाइनिंग डेट से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लेवल 11 पे जा रहे हो, मतलब 6600 ग्रेड पे जा रहे हो, ठीक है, और जॉब भी अच्छी क्योंकि इसमें आप प्रिंसिपल की जॉब पे जा रहे हो, थोड़ा सा वर्क प्रेशर भी कम रहता है एज कम्पेयर टू अदर अगर आप किसी पद पर कार्यरत हैं। तो इस प्रकार से इस वैकेंसी में कंपटीशन तो है, ये बात तो तय है, और कंपटीशन इस प्रकार से भी नहीं है क्योंकि सारे के सारे लोगों को कंटेंट एकदम नया है, सभी के लिए कंटेंट नया है, मतलब जो अभी तैयारी कर रहा है, जो अभी बहुत अच्छी मेहनत कर लेगा वही आगे इसमें एग्जाम में सफल होगा। रीजन ये क्योंकि इसका कंटेंट ऐसा नहीं कि इसने बहुत पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, ये किसी को बहुत पहले से कुछ आ रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, जो पढ़ा हुआ है हो सकता है MPG के किसी ने किसी का अच्छा हो, ठीक है, पर बाकी जो और चीज़ें वो तो सबके लिए नहीं है। कुल मिलाकर के चीज़ें सबके लिए नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, यहाँ से जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसी के नंबर अच्छे आएंगे और वही अपनी
अच्छी रैंक अच्छी पोस्ट के साथ इसमें सिलेक्शन लेने वाला है। तो अगर आप डिले कर रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन से दूर जाते जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, कहीं से पढ़ रहे हैं जहां कंटेंट मिल रहा है जहां आपको अच्छा लग रहा है स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं ठीक है तो आप जा सकते हैं द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। ओके, अब बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं सर आपकी थोड़ी सी फीस ज्यादा है, फीस के बारे में बताओ। देखो क्वालिटी इस वैकेंसी के अंदर कंटेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है, आप मानिए, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा खेल क्वालिटी का ही है ठीक है। आप अगर जितनी अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेंगे हम निश्चित तौर पर उस पर उतना अच्छा उतनी थोड़ी ज़्यादा फीस रहेगी, सीधी सी बात ठीक है। तो क्वालिटी के क्वालिटी अच्छा देने के चक्कर में थोड़ी सी फीस हमारी ज़्यादा हो गई है, बट इसमें ऐसे स्टूडेंट्स हैं क्योंकि इसमें सारे के सारे जॉब हैं, जॉब वाले स्टूडेंट रहते हैं, तो जॉब वाले अपने मुझे नहीं लगता है कि फीस हमारी कोई ज़्यादा है ना, क्योंकि जिस प्रकार से आप ऐसे कोई जेई एग्जाम की तैयारी तो कर नहीं रहे हो, आप लेवल 11 की जॉब की तैयारी कर रहे हो ठीक है, जहां पर आप ये कह सकते हैं कि पहले दिन से अगर आपके पास एक्सपीरियंस तो आप बहुत अच्छी ग्रेड पे के अंदर जाने वाले हो। जब आप इतने बड़े पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि जो फीस यहाँ पर रखी गई जिस प्रकार से आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी सारा का सारा स्टडी मटेरियल एक प्लेटफॉर्म के अंदर दिया जा रहा है, वो कोई बहुत ज़्यादा फीस है आपके लिए। बट फिर भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कॉलेज के हैं, कॉलेज के दौरान मतलब अभी जस्ट फ्रेशर हैं कह सकते हैं, या कि काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके पास जॉब नहीं है, ऐसे अगर कुछ हैं जिनको रियल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पर तैयारी करना चाहते हैं, उनका कंटेंट हमें हमारा कंटेंट उन्हें अच्छा लग रहा है और हमारे यहाँ से ही तैयारी करना चाहते, तो उनके लिए भी दस सिविल पॉइंट के दरवाजे कभी बंद नहीं होते ठीक है। आप इन नंबर पर कॉल कीजिए, सर से बात कीजिए, जितनी ठीक है जितनी ज्यादा मदद हो पाएगी हमारी टीम आपकी करेगी और आपको जितना ज्यादा डिस्काउंट होकर के आपको हम कोर्स प्रोवाइड करेंगे ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत अच्छी जॉब के अंदर है, आपको ये लग रहा है कि नहीं सर की फीस ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्वालिटी, फीस ही ज्यादा है, तो उस रिस्पेक्ट में आपसे कहना चाहता हूँ फिर आप कहीं अदर भी देख सकते हैं, फीस क्वालिटी के रिस्पेक्ट में एकदम कम है, मैं कहूँगा थोड़ा सा कमी है ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार ये वैकेंसी है, जिस प्रकार से हमारे टीचर्स हैं, जिस प्रकार उनकी क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से फीस बहुत ज़्यादा नहीं है ठीक है। तो अगर आप एक अच्छी जॉब के अंदर तो इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि आप किस प्रकार की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और ये आपके लिए एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा अपनी पढ़ाई पे। पर जो लोग नहीं कर सकते, जिनको रियल में प्रॉब्लम है, उनके लिए दसवीं पॉइंट के दरवाजे खुले हैं, ये नंबर्स हैं, इन पे कॉल कीजिए, जितनी हेल्प हो पाएगी हम करने के लिए तैयार हैं ठीक है। ये चीज़ें इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, बाकी कोर्स की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है यहाँ पे, बाकी जा सकते हैं आप दसवीं पॉइंट ऐप के अंदर, बाकी डेमो वगैरह आपको वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, बाकी और अगर आपको कोई क्वेरीज है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको या डायरेक्टली एक वीडियो के थ्रू भी आपको यहाँ पास कर देंगे ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा एक डेडिकेटेड इसके ही रिगार्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जो कि जिसकी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहती है, तो उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, उसके लिंक पर आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और द सिविल पॉइंट अंडरस्कोर इंदौर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल द सिविल पॉइंट का, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट हो वो आपको वहाँ पर मिलती रहे ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।